भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम कारगिल के जो शहीद हैं हुए 26 जुलाई को, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। जिन शहीदों ने हमारी देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी, अपने बलिदान दिया, उनको स्मरण करना, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको अपना संदेश पहुंचाना कि ये देश जो है उनके साथ खड़ा है, और कहीं ना कहीं जो है उनकी जो उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, उसको कहीं ना कहीं हम नमन करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। आज जो कारगिल युद्ध हुआ था और उसके 25 साल हो गए, और पूरा देश हमारा जम्मू कश्मीर यूटी और पूरा देश और पूरा विश्व, जहाँ जहाँ भी राष्ट्रवादी लोग हैं हमारे, वो इस दिन को मना रहे हैं। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी खुद वहाँ कारगिल में जाके द्रास में वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। तो ये बड़ा गौरव का दिन है। हमारे शहीदों ने जो शहादत दी थी, आज सारा समाज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। जम्मू का, चाहे उसमें पूर्व सैनिक है, चाहे एनसीसी के लोग हैं, चाहे जम्मू की राष्ट्रपति जनता है, और जो उनके परिवार भी यहाँ पे आए हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो शहीदों को हम लोग याद करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा उनका बलिदान है। आने वाले समय में भी जब भी इनका दिन आएगा हम लोग मिलकर सब उस दिन को याद करेंगे। बलबीर सिंह सियाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम कारगिल का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन 26 जुलाई को हमारे भारत वर्ष की फौज ने पाकिस्तानी गद्दारों को, जो आकर के हमारे इलाके में बैठ गए थे, उनको हमने खदेड़ करके अपने इलाके से निकाल दिया था, और ये विजय दिवस जो है उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन हम अपने उन शूरवीरों को, अपने उन वीरों को, उन बहादुर सेनानियों को जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया और अपनी देश अपनी जान न्यौछावर की, उनको हम याद करने के लिए ये दिन मना रहे हैं। आज के दिन हम कारगिल शौर्य यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये कारगिल शौर्य यात्रा हमने जो अपना इंदिरा चौक का इलाका है जहाँ से हम इसको शुरू करेंगे, इसमें पूर्व सैनिक सबसे आगे होंगे, उसके बाद एनसीसी के बच्चे, और बाकी पूरे जम्मू के जितने भी सभा के जितने भी जाने माने लोग हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेंगे। और यहाँ इंदिरा चौक से होते हुए गुमर के इलाके में जाएंगे, गुमर चौक में, गुमर चौक से बाएं मुड़ करके, और वहाँ से होते हुए रघुनाथ बाजार से होते हुए और शालामार से दोबारा नीचे उतर करके दोबारा हम इसी इलाके में आकर के इंदिरा चौक में आके इस रैली को ख़त्म करेंगे। मुझे बड़ा हर्ष और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारे पूरे जम्मू के लोग और पूरा हमारा जो हमारा समाज है वो यहाँ पे एकत्रित हुआ है उन वीरों को याद करने के लिए जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, बलिदान दिया और इस देश को अपनी बुलंदियों के ऊपर पहुँचाया। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।